न्यूज चैनल वालों का हुआ पर्दाफाश। देखो टीआरपी के चक्कर में कैसे आधी अधूरी और फेक न्यूज ये अपने न्यूज चैनल में दिखाकर लाखों लोगों को गुमराह करते हैं। चर्च में लाखों लोगों के बीच में चमत्कार को देखकर पहले हुए हैरान कि बड़ी बड़ी बातें और कैसे टीआरपी मिलते ही बदल गई इनकी जुबान। टीआरपी के चक्कर में देखो कैसे ये प्रॉफिट बजेंद्र सिंह जी के और उनकी मिनिस्ट्री के बारे में फेक न्यूज दुनिया को दिखा रहे हैं। आइए पहले हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। तो ये जो तस्वीर हमारे कैमरे में कैप्चर हुई, जिसको हमने किसी तरह हिडन वे में किया कि आमिर को एक कमरे में बंद करके बैठा दिया गया और कई घंटों तक वो क्यों किया गया। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, इस रिपोर्टर के आरोप के अनुसार, क्या आप लोगों को देखकर लगता है कि इनको एक कमरे में कैद किया गया था? हैरान करने वाली बात तो ये है कि ऑफिस का दरवाजा भी खुला है और लोग आ जा रहे हैं। और आपको एक और वीडियो दिखाते हैं जो कि उसी दिन की है। पहले कैसे हमारे स्टाफ ने, इनके पूरे स्टाफ की खातिरदारी करी, इन्होंने चाय ऑर्डर करी और कैसे प्लानिंग के बाद ये भाई अलग जाकर बैठ गया और रिकॉर्डिंग करवाई ताकि बदनाम किया जाए। अगर आपको फिर भी लगता है कि इन्हें कैद किया गया होगा तो हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं कि कैद करना किसे कहते हैं। और आप इस वीडियो में देखें कि कैसे जब ये पहली बार चर्च में आए थे और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इस रिपोर्टर का खुद कहना है कि इतने लोगों को कोई नहीं खरीद सकता, खरीदना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। हमने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को देखा है और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ये सबको प्लान किया गया होता तो इतनी बड़ी संख्या तो नहीं हो सकती थी, इतनी बड़ी संख्या तो नहीं हो सकती थी। हम तो बात करना चाह रहे थे ना, हम तो अभी भी हम निमंत्रण दे रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि सो कॉल्ड प्रोफेट बजेंद्र सिंह न्यूज नेशन पर आए, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी होना है। और देखिए कैसे न्यूज नेशन के रिपोर्टर रोहित प्रॉफिट बजेंद्र सिंह जी को खुला आदेश दे रहे हैं, तो हम भी इन्हें खुला आदेश देते हैं। अगर मीडिया को सच्चा दिखाना है तो आप आएं और लाइव दिखाएं कि क्या होता है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रभु येशु ने कहा तर्क वितर्क वालों से दूर रहो, इसीलिए प्रॉफिट बजेंद्र सिंह जी इनके मुंह नहीं लगते।